आज हम सीखेंगे कि कंप्रेसर के कितने प्रेशर होते हैं और इसके प्रेशर को कैसे मापा जाए, क्योंकि दोस्तों अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो जाएगा तो आपके एसी फ्रिज मतलब वो जितनी भी ठंडा करने वाली मशीनें हैं वो सारी मशीनें अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन रहेगा तो वो कूलिंग भी कम करेंगी। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्रेसर के प्रेशर को कि ये कंप्रेसर का प्रेशर सही है या फिर कंप्रेसर का प्रेशर ख़राब है, क्योंकि दोस्तों कूलिंग कम करने का एक रीज़न ये भी है कि अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन रहेगा तो यहाँ पर कूलिंग भी कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर का प्रेशर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कंप्रेसर होता है ना, चाहे वो एसी का कंप्रेसर हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे डिफ्रीजर का हो, चाहे वाटर कूलर का हो, सबके प्रेशर को नापने का एक ही तरीका है और वही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। और बाकी एक तरीका और होता है उसमें अभी आपको बताऊंगा, उसका यूज आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग उसका भी यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंप्रेसर के कितने प्रेशर होते हैं। तो देखिए कंप्रेसर के दो प्रेशर होते हैं, नंबर एक है सक्शन प्रेशर और नंबर दो है डिस्चार्ज प्रेशर। सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या है? सक्शन प्रेशर और एक है डिस्चार्ज प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दो प्रेशर होते हैं कंप्रेसर के। कंप्रेसर कितने प्रेशर होंगे? दो प्रेशर, नंबर एक सक्शन प्रेशर और नंबर दो डिस्चार्ज प्रेशर। सक्शन प्रेशर को बैक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं और डिस्चार्ज प्रेशर को हेड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सक्शन प्रेशर किसे कहते हैं? कंप्रेसर के सक्शन लाइन के द्वारा खींचा गया प्रेशर सक्शन प्रेशर कहलाता है। और डिस्चार्ज प्रेशर किसे कहते हैं? कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फेंका गया प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर कहलाता है। तो डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर ये दो प्रेशर होते हैं और इन दोनों प्रेशर के बारे में आप जान चुके होंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कंप्रेसर के प्रेशर को कैसे मापा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, जो कंप्रेसर को नापने का बेस्ट तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक लेना होगा आपको एक प्रेशर गेज। यहाँ पे जो हमारे पास है ये प्रेशर गेज है और इसी प्रेशर गेज के माध्यम से हम लोग ये चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर सही है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस गेज को ऑफ कर देना होगा। अगर ऑफ दोस्तों नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो गैस है मतलब जो हवा यहाँ से निकल के जा रही है सीधा यहाँ से बाहर निकलने लगेगी। और जब इसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे हैंडल को, तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, जो भी प्रेशर आएगा सीधा ऊपर चढ़ेगा और सुई फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है, यहाँ पे एक आपको एक लगाना है चार्जिंग पाइप यहाँ पे जोड़नी है और यहाँ पे एक चार्जिंग पिन आपको डिस्चार्ज लाइन पे कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे क्या लगाएंगे, एक चार्जिंग पिन लगा देंगे जिस पे ले जा करके हम चार्जिंग पाइप को जोड़ देंगे। पिन अंदर से निकाल लेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे उसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पिन लगानी है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे और इस गेज को इससे जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले आपको करना क्या होगा कि इस कंप्रेसर को ऑन कर देना होगा। कंप्रेसर ऑन होगा तो ये अपने सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन से ये हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से क्या करेगा, हवा को फेंकेगा। जब ये हवा खींचने फेंकने लगे फिर उसके बाद करना क्या होगा आपको, ये जो आपने चार्जिंग पाइप यहाँ पर जोड़ी है ना, इसी चार्जिंग पाइप को ला करके यहाँ पर कस देना है। कहाँ कसना है? जो डिस्चार्ज लाइन रहेगा उस पर ला करके इसको कस देना है। अब जैसे ही कसेंगे दोस्तों तो ये प्रेशर तुरंत क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। क्या होगा, ये जो इसकी सुई है ये सुई सीधा सीधा ऊपर बढ़ने लगेगी और ऊपर बढ़ते 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 आ जाएगी 400-500 तक चली आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी जो सुई है
500 से ऊपर ना जाए, वरना आपका काटा ख़राब हो जाएगा, आपका गेज ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपको चेक कहाँ तक करना है, अगर ये सुई ऊपर चढ़ते 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 400 से 450 PSI पे चला आता है, 400 से 450 PSI पे चला आता है काटा, तो इसका मतलब दोस्तों कि इसका कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही है। अगर ये काटा जब ये हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट किए हैं और ये सुई इस प्रेशर के प्रेशर से ऊपर होते 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 400 से 450 तक चली आती है सुई, तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही है। अब उसके बाद तुरंत आपको करना क्या है कि यहाँ पे कंप्रेसर को ऑफ कर देना, क्या करेंगे कंप्रेसर बंद कर देंगे। अब कंप्रेसर बंद करने के बाद एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे, वो ये करना है कि आप इसकी सुई जो यहाँ पे आई थी 450 तक, वो सुई कैसे नीचे जा रही है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है या फिर धीरे 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 नीचे जा रही है। अगर ये प्रेशर गेज की सुई धीरे 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 नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि ये जो हमारा कंप्रेसर है ये 100% सही है। और अगर ये सुई बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, मतलब डाउन हो रही है, तो इसका मतलब दोस्तों कि इसका जो डिस्चार्ज वाल्व यहाँ पर लगा होता है, ये डिस्चार्ज वाल्व ख़राब हो गया है, मतलब कि इस कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो गया है और ये बहुत तेज़ी से हवा बैक में जा रही है, मतलब यहाँ सक्शन लाइन से ये गैस जो हमारी है बहुत तेज़ी से रिटर्न जा रही है, भाग रही है इस वाल्व के ख़राब होने की वजह से, और इसका प्रेशर जो है ये कमज़ोर हो गया है, इस कंप्रेसर का प्रेशर ख़राब हो गया है, कमज़ोर हो गया है, कम हो गया है, और ये अब कूलिंग नहीं करेगी। तो यही दोस्तों आपको लास्ट में यही नोटिस करना है कि जब अगर ये सुई बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है, तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो गया है, कम हो गया है, अब ये काम करने के लायक नहीं है। और अगर इस गेज की सुई धीरे 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 डाउन होती है, तो इसका मतलब इस कंप्रेसर का प्रेशर एकदम सही है, 100% इस कंप्रेसर का प्रेशर सही है, इस कंप्रेसर के प्रेशर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप कंप्रेसर के प्रेशर को नाप सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों यहाँ से भी इसके बैक प्रेशर को भी नापते हैं, यहाँ पर गेज लगा देते हैं दोस्तों, ये गेज इस तरीके से मान लीजिए आपका गेज है, और इस गेज को यहाँ पर लगा देते हैं, और लगाने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये सीधा ले जा करके इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सीधा ये सब ले जा करके यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन पे लगाया था चेक करने के लिए, वैसे इसके इनपुट वाली लाइन पे इसे लगा करके इसको ले जा करके सीधा क्या करते हैं, इसके सक्शन लाइन पे चेक कर देते हैं, मतलब लो प्रेशर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ लगा देते हैं, मतलब ये कंपाउंड गेज यहाँ पे लगा देंगे, कौन लगा क्या लगाएंगे, कंपाउंड गेज, यहाँ पे प्रेशर गेज लगाया गया था, तो यहाँ पे कंपाउंड गेज लगा करके ये लोग चेक करते हैं कि हाँ ये कंप्रेसर का जो बैक प्रेशर है, जो सक्शन प्रेशर है, वो सही है कि नहीं, मतलब खींच रहा है कि नहीं सही। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब वो समझते हैं कि जब ये सुई हमारी -30 पे चली आएगी, तो इसका मतलब कंप्रेसर का जो बैक प्रेशर है, जो सक्शन प्रेशर है, ये भी सही है और डिस्चार्ज प्रेशर भी सही है। बट दोस्तों ऐसा मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़, ये जो फार्मूला है, ये एकदम 100% सही नहीं है, क्योंकि आप कभी ये भी चेक कर लेना कि कभी जब आपका कंप्रेसर का प्रेशर डाउन रहेगा, तब भी अगर आप इसको सक्शन लाइन पे लगाएंगे ना गेज को, मतलब कंपाउंड गेज को, तब भी अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन भी रहेगा, तब भी दोस्तों ये -30 तक सुई को लेकर के चला आएगा सक्शन प्रेशर, जिससे कि ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आपके कंप्रेसर का प्रेशर सही है या फिर ख़राब है। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो मैं यहाँ पर तरीका बताया हूँ, ये तरीका है कि मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज लाइन पे लगा के चेक करते हैं, उसके बाद फिर सुई को देखते हैं कि धीरे धीरे डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये जो तरीका है दोस्तों ये ही बेस्ट तरीका है, और इस तरीके से अगर चेक करते हैं तो 100% ये क्लियर कर पाएंगे कि आपके कंप्रेसर का प्रेशर सही है या फिर ख़राब है। तो ये कंप्रेसर का प्रेशर चेक करने के जो रूल मैंने आपको अभी आपको बताया, यही रूल दोस्तों आप एसी के कंप्रेसर के प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं इसी रूल के ज़रिए से, और इसी रूल के ज़रिए से आप डीप फ्रीजर के कंप्रेसर के प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी एसी और फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर के कंप्रेसर हैं, उन सारे कंप्रेसरों के प्रेशर को इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस गेज के ज़रिए से, और इस तरीके से कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया उस तरीके से अगर वो बताता है गेज, तो इसका मतलब दोस्तों वो इसका जो प्रेशर है ये सही है, और अगर नहीं उस तरीके से बताता है तो इसका कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। तो आपको ये वाले रूल का इस्तेमाल करना है, इस वाले का नहीं करना है, वरना कंप्रेसर ख़राब रहेगा तो भी आप समझें कंप्रेसर सही।